हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजीली लर्न विद ए स्माइल, एंड दिस इज उदय 2.0 जिसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ लास्ट टॉपिक उसमें से रह गया है जिसका नाम है, जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हम एक कंपनी के फॉर्मेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ओके, तो डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि आपने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जो अगर नहीं पढ़ा है आप तो पिछली क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से जाके। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि कोई भी कंपनी, ठीक है, किस पे रजिस्टर्ड होती है वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं तो आज की क्लास में हम वही कवर करेंगे। तो डॉक्यूमेंट जनरली कौन से यूज होते हैं मेनली कंपनी के फॉर्मेशन में, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रॉस्पेक्टस के बारे में और एक ओवरऑल डिफरेंस भी देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं बच्चों MOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी व्हिच डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ ए कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड। यानी आउटसाइड वर्ल्ड से हमारी कंपनी किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी, उनके साथ क्या रिलेशन होगा और क्या कंपनीज की ऑब्लिगेशंस होंगी, वो सब के बारे में डिफाइन करता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम जानते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के नाम से। तो ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो एक चार्टर है कंपनी का, जैसे कि देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइकवाइज आई कैन से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। यानी ये कंपनी का पूरा ओवरऑल कि कंपनी के मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड से किस टाइप से रिलेशनशिप रखेगी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, वो सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डिफाइन होता है। इट मींस कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आगे कंपनी नहीं जा सकती। मान लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी देश का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही वो देश फैसले करता है, और अगर कोई चीज नहीं आती है तो हम उसके लिए लॉ पास करते हैं। लाइकवाइज आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए एक बाउंड्री डिसाइड कर रहा है, डिफाइन कर दे रहा है कि इस बाउंड्री के अंदर रह के ही एक कंपनी को काम करना है। इससे ज्यादा अगर हम कोई जाएंगे तो वो वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, यानी वो कंपनी के इक्तदार में नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों, जिसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से जानते हैं, और ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें लिखा क्या होता है ओवरऑल, तो जैसे कि मैंने बता दिया कंपनी के विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की पावर क्या है, कंपनी किस नेचर की है, कंपनी का ऑफिस कहां पे, कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। तो सबके बारे में इस डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है, जिसको हम जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से। अब यह सवाल उठता है क्या इसको एल्टर किया जा सकता है, एल्टर मींस चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री में अगर कोई चीज हमें चेंज करनी रहती है तो हमें क्या करना रहता है, उसके लिए हमें एक लोकसभा में एक बिल पास करना रहता है, यानी जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। तो अमेंडमेंट करके ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। लाइक वाइज यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो एक लिटिल टफ टास्क होती है बट पॉसिबल हो सकता है। यहां पे अल्टर किया जा सकता है एज पर द कंपनी एक्ट प्रोविजन के द्वारा, लेकिन उससे पहले आपको जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो राजी होना चाहिए, उनका राजी होना ही इनफ नहीं है, आपको उसके लिए गवर्नमेंट की भी परमिशन लेना पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगी और अपने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर होंगे उनकी भी राजी लेना पड़ेगी, और कंपनी एक्ट प्रोविजन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताता क्या है, ये बताता है इन्फॉर्म
आउटसाइडर, यानी जो आउटसाइडर पार्टीज हैं, जो कंपनी की आउटसाइडर पार्टीज है, उनसे कंपनी के क्या रिलेशनशिप रहने वाले हैं, उन सब के बारे में डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको हम जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से। आई एम श्योर कि ये तो आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे हैं क्या डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ओवरऑल हम क्या क्या दिखाते हैं, यानी उसके क्या क्या कंपोनेंट या कंटेंट हैं, ठीक है। तो कंटेंट में सबसे पहला आता है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज इज वन ऑफ द मेन कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है, नेम क्लॉज डिफाइन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, यानी नेम क्लॉज के अंदर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, और नेम शुड बी नॉट आइडेंटिकल विद एनी अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यानी जो आप नेम सेलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी का, वो नेम आप अपनी कंपनी का नेम क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे। अब नाम जो होना चाहिए वो आपको पहले ही पता है कि नाम यू कैन नॉट कीप द सेम नेम नहीं रख सकते, उस नाम की अगर कंपनी है तो वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी दूसरी कंपनी से। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी के आगे पीवीटी लिमिटेड ऐड करेंगे, ठीक है, पीवीटी लिमिटेड ऐड करना है। लाइकवाइज अगर कंपनी आपकी पब्लिक नेचर की है, यानी पब्लिक कंपनी है, तो उस केस में आपको सिर्फ क्या यूज करना है, एलटीडी यूज करना है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नेम के आगे, सॉरी पीछे, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड जब प्राइवेट लिमिटेड होगी, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए आप लिमिटेड, और अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का बिजनेस है, जो हम पिछले ही पढ़ चुके हैं इस क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया तो आपको वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पे नाम के बाद में लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको नेम क्लॉज में याद रखनी है। तो नेम क्लॉज क्या है, इट इज द क्लॉज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो नाम होता है, इट शुड बी मेंशन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर द क्लॉज नेम क्लॉज, यानी नेम क्लॉज के अंदर आपको कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट के लिए पीवीटी लिमिटेड, अगर पब्लिक कंपनी है तो आप लिमिटेड लगाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव लगाएंगे वर्ड। और इसके अलावा नाम जो होना चाहिए वो आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका नेम क्लॉज। इस नेम क्लॉज के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, वो है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को समहाउ हम डोमिसाइल क्लॉज भी बोलते हैं। डोमिसाइल, अब ये डोमिसाइल या सिचुएशन क्लॉज क्या है, तो डोमिसाइल क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज इज द क्लॉज विच डिफाइन द प्लेस वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड, जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्लेस है उसके बारे में बताता है। मान लिया अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया हैज नंबर ऑफ स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट हैं। अब किसी भी एक स्टेट में आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, मान लिए आप कर रहे हैं एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो एमपी जो होगी आपकी स्टेट हो गई, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा अंडर द सिचुएशन क्लॉज। अब इसके अंदर एमपी के अंदर बहुत सारी क्या होंगी, सिटी होंगी, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि कौन से सिटी में आप उसको रजिस्टर करना है, और उसका प्रॉपर एड्रेस, यानी टोटल एड्रेस आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा अंडर द सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज में सिंपल आप क्या है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेस है वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्लेस में ही आप अपने क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी रखेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के यहां सबमिट होता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो उसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कहां पे कौन सी स्टेट में लाई करती है, उसका सिटी क्या है, उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर ही आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं। और रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर आपको यह देना होता है, 30 डेज के अंदर, कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेस क्या है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कंटेंट है ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज।
ऑब्जेक्टिव क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, यानी अंडर ऑब्जेक्टिव क्लॉज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आप क्या मेंशन करेंगे, आप मेंशन करेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यानी मेन ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव द कंपनी इज मेंशन अंडर द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, कंपनी क्या करना चाह रही है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी का, ठीक है, और इसके अलावा आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो आपको डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा अंडर द ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी इससे ही पता चलेगा कि कंपनी ओवरऑल क्या करना चाह रही है। आप जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए आपके ऐसे होना चाहिए जो आपके नेम क्लॉज कंपनी जो का नाम है यानी जो कंपनी का नाम है उससे मैच कर रहे हो। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो इलीगल नहीं होना चाहिए कि कंपनी खोल ली लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव कुछ अलग ही हैं जो नेशनल सिक्योरिटीज को, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी प्रॉफिट अर्न करना कोई गलत बात नहीं है, प्रॉफिट अर्न करिए लेकिन समहाउ सोसाइटी को भी हमें हेल्प करनी है तो वो भी आपको सब मेंशन करना है कि कंपनी अर्निंग प्रॉफिट के अलावा क्या क्या सोसाइटी के लिए करेगी, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या होंगे वो हम किस में मेंशन करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में, ठीक है। ये तीनों क्लॉज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज आता है बच्चों, वो है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या है, लायबिलिटी वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैं पार्टनरशिप की बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, सब में ये लायबिलिटी वर्ड आया है। अब लायबिलिटी आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप की लायबिलिटी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहली होती है बच्चों कौन सी, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड, और दूसरी होती है आपकी लिमिटेड। यानी लिमिटेड और अनलिमिटेड तो आप, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। लिमिटेड मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट कराए सिर्फ उतने तक ही आप लायबल हैं टू पे द डेट, उतने तक ही आपको डेट पे करना है। अनलिमिटेड जितना इन्वेस्ट कराए तो उससे भी ज्यादा आप लायबल हो सकते हैं, तो वो आपकी कहलाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहां पर कैपिटल क्लॉज में यू विल मेंशन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के साथ सारे मेंबर जुड़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे अगर कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। तो मेंबर की लायबिलिटी कैसे होने वाली है, वो लायबिलिटी को आपको मेंशन करना पड़ेगा अंडर द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द, लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा अंडर द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम मूव कर जाते हैं, इसको पहले मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, यस, और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि हमारा कौन सा, कैपिटल क्लॉज, यानी नेक्स्ट क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस क्लॉज डिफाइन और कीप रिलेटेड टू द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी आपका जो कैपिटल है कितने कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो और पब्लिक कंपनी हो, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको बिगिन करने के लिए अपने ऑपरेशन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल कितना है, यानी हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, या आप कितने कैपिटल से आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो आप अपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन करेंगे। मान लीजिए आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप सोच रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो ये 2 करोड़ रुपए आप अपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन करेंगे कि हमारा जो कैपिटल क्लॉज है इट हैज 2 करोड़ रुपए एंड इट हैज, अब ये 2 करोड़ को आप क्या है बाद में शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो वो मेंशन पूरी डिटेल में दे सकते हैं कि आपका ऑथराइज शेयर कितना है, आपके सब्सक्राइब शेयर कितने हैं, वो सारी डिटेल आप अपने कैपिटल क्लॉज में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों लास्ट में सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लास्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज रिलेटेड टू द, सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है ये एक डिक्लेरेशन है, दिस इज द क्लॉज विच डिफाइन द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन
ऑफ डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से डिक्लेरेशन है कि वो क्या हैं, उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है कंपनी का बाय किया है, यानी क्वालिफिकेशन शेयर्स जो उन्होंने क्या किया है, बाय कर लिया है, उनकी तरफ से ये डिक्लेरेशन होता है कि भैया सारे जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी विल से उन्होंने क्या करा है, उन्होंने पैसा लगाया है, एज वेल एज सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, उसके अंदर सारी डिटेल है, और उन्होंने जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है उसको भी बाय कर लिया है, तो वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपको मेंशन करना पड़ता है बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ओवरऑल ये 6 क्लॉज आते हैं, आई एम श्योर कि ये 6 क्लॉज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट यू मे कमेंट और मैं हम वहां पे टेलीग्राम पे उसको आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई एम श्योर कि अगर आप हल्के से वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट which contain rules and regulation for the internal affairs of the company। कंपनी का इंटरनल अफेयर्स अब कैसे चलना है, यानी बाहर की दुनिया से तो डील करेगी कैसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, लेकिन अंदर की जो वर्किंग है, अंदर का जो एनवायरमेंट है, उसमें कौन से रूल चलेंगे, उसमें चलेंगे बच्चों क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज दी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का इंटरनल अफेयर्स, यानी कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी पावर क्या होंगी, ठीक है, जो हम जॉब कर रहे हैं हमारी ड्यूटीज क्या होंगी, मैं किसको एलिजिबल हूंगा, मुझे कौन अथॉरिटी दे सकता है, तो वो सारी डिटेल आपकी किसमें मेंशन होने चाहिए, वो मेंशन होगी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द ड्यूटी एंड पावर ऑफ द मैनेजर, जैसे कि मैंने बताया मैनेजर हो या कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उनकी क्या पावर्स रहने वाली हैं, उनके हाथ में कितनी शक्ति है डिसीजन लेने की, क्या वो उस पावर से ऊपर डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या उनके अंदर में कौन कौन सी ड्यूटीज आ रही हैं जो वो परफॉर्म करेंगे वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी आपको मेंशन करना पड़ती है अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मान लिए एक फाइनेंस मैनेजर है, अब इस फाइनेंस मैनेजर के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, वो सब आप मेंशन करेंगे और वो सब मेंशन करके आप किस में डाल देंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। यानी ये फाइनेंस मैनेजर अगर चाहेगा टांग अड़ाना कल को फ्यूचर में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी अपनी ड्यूटीज एंड पावर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो वो कहीं ना कहीं वाइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकता। तो वो सब आपको इसमें बच्चों मेंशन करना पड़ेगा अंडर विच डॉक्यूमेंट नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना इतना जरूरी है, तो आंसर इज जरूरी है, बट अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देयर ओन, अपना कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। उसके लिए प्रोविजन है कि टेबल ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में कुछ सेट मॉडल्स दे रखे हैं, यानी देयर आर मॉडल्स, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स दे रखे हैं किसके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तो वहां से आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मॉडल कितने हैं, ये 99 मॉडल दे रखे हैं बच्चों, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 में टेबल एफ के 99 मॉडल दे रखे हैं, तो 99 में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं विच इज बेस्ट सुटेड टू द कंपनी, और उसको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, यानी वही आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाएगा। तो दो बातें हो गई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपका दिल कर रहा है तो बना लिए देयर ओन, अगर आपका मन नहीं कर रहा है, you are not interested to create their own article of association, तो फिर आप prepaid article of association, यानी models 99 है, उसमें से आप कोई सा भी select कर सकते हैं, table F में दे रखे हैं, वहाँ से आप अपना article of association अपनी company का choose कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद article of association पे जरूरी है कि सारे director के signature होना चाहिए, यानी director आपको already पता है, there are 2 director in the case of private company and 3 director in case of the public company, तो as per the nature of the कंपनी प्राइवेट है तो 2 डायरेक्टर सिग्नेचर कर दो अपने किस पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर क्या कर दें, सिग्नेचर कर दें और इसको
सबमिट कर दें। कहां पे सबमिट कर दें? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के यहां। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी का एक ऑफिस होता है, वहां सबमिट कर दिए। और ये क्या बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इसको याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सम टाइम इट इज नोन एज इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर स्पोर्ट्स नाम सुना होगा। एक होते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर जो ग्राउंड पे बाहर जाके खेलते हैं खुले आसमान पे। इंडोर जो अंडर दी रूफ खेलते हैं, जैसे कि आपका टीटी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, समटाइम्स स्विमिंग हो गई। तो जो इंडोर टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, तो ये क्या है? इंडोर, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं यहां पे इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करता है, तो इंटरनल मींस इंडोर। तो इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। दैट इज नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आई एम श्योर के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके भी कंटेंट पे। व्हाट आर द वेरियस कंटेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज द पार्ट एज द डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। यानी जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उसमें ही बहुत सारे कंटेंट कंपोनेंट या एलिमेंट के नाम से आ सकता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, कंटेंट हो, कंपोनेंट हो, एलिमेंट हो, वो सब एक ही चीज है। तो यहां पे कंटेंट क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो सारे एक एक बार हम देख लेते हैं क्विकली। तो पहला है इसके अंदर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड टाइप। यानी सबसे पहले आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह बताना पड़ता है कि आपका शेयर कैपिटल कितना है, यानी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कितना शेयर कैपिटल से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से टाइप के शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी में भी आपके, प्रेफरेंस में भी आपके कौन से शेयर्स हैं, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, ठीक है, कॉम्युलेटिव, नॉन कॉम्युलेटिव। तो ये टाइप के सारे आपको मेंशन करना पड़ेगा अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अब शेयर का अलॉटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जब हम कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव होती है। अब एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को अलॉट करती है। अब वो शेयर्स का अलॉटमेंट कोई ऐसे तो नहीं कि आप डायरेक्टली डिसीजन ले लेंगे, रैंडमली ले लेंगे, उसके लिए एक सेट प्रोसीजर होता है। मान लो वो सेट प्रोसीजर कंपनी ने कह रखा है कि अगर मान लो किसी की 100 एप्लीकेशन आई है तो हम उसको देंगे 60 शेयर्स। तो यानी क्या हो गया, 10:6 का रेशियो हो गया। तो इसी रेशियो में फिर आपको बांटना पड़ेगा। यानी प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट क्या होने वाला है शेयर्स का कंपनी की तरफ से, वो आपको यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए बाद में कि कोई सा भी प्रोसीजर किसी को ज्यादा शेयर दे दिए, किसी को कम दे दिए, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा बायस डिसीजन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक सेट प्रोसीजर होगा अलॉटमेंट का, ठीक है। इसके अलावा राइट ऑफ द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। अब ओनर हैं तो क्या वो सब कुछ करने लग जाएंगे, यानी कंपनी के अफेयर्स में भी घुसे? ऑल्दो दे आर द ओनर, बट शेयर होल्डर नहीं चलाते बिजनेस को। बिजनेस को चलाते हैं शेयर होल्डर द्वारा इलेक्टेड मेंबर, जिसको हम बोलते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसलिए शेयर होल्डर के राइट भी पता होना चाहिए शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, किस लिमिट तक वो जा सकते हैं, और किन चीजों में वो टांग नहीं अड़ा सकते, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी में शेयर जब इशू होते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर वो क्या रहने वाला है, कंपनी किस टाइप से अपने शेयर्स को इशू करेगी जनरल पब्लिक के लिए। और इसके अंदर आपको बहुत सारे मेथड भी होते हैं, जैसे कि आपका राइट इशू हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, या इशू बाय प्रॉस्पेक्टस हो गया। तो वो कौन कौन से मेथड है या कौन कौन से प्रोसीजर है, वो आपको यहां पे बताना पड़ेंगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स में, ठीक है। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि दो शेयर्स ऑफ द कंपनी इज इजीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में तो रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी की अगर बात करूं तो वहां पे शेयर्स जो होते हैं इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तो वो ट्रांसफर करने का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, यानी इफ ए पर्सन जो के मेंबर है हमारी कंपनी का, जो शेयर होल्डर है, वो क्या करना चाह रहा है, अपने शेयर्स को किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक सेट रूल होना चाहिए। तो वो रूल्स यहां पे आप डिफाइन करेंगे प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये द टर्म फॉरफीचर जो है ये बच्चों, ये पहली बार आपने सुना होगा। ये फॉरफीचर आप 12th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर ही है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब सिंपल होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स,
कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है जब हम शेयर इशू करती है कोई कंपनी तो उसको पैसा चाहिए होता है समहाउ। अब मान लिए 10 रुपए का शेयर इशू करा और किसी बंदे ने हमारे शेयर्स को खरीद लिया, 10,000 शेयर हमारे खरीद लिए, तो 10,000 में से अब मान लिए उसने 6 रुपए भेज दिए और 4 रुपए वो नहीं भेज रहा है, तो उस केस में कंपनी कॉल कर रही है बार बार उसको कि भैया 4 रुपए ही भेज दो, वो नहीं भेज रहा है, तो उस केस में कंपनी के पास पावर है कि उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दे और सिंपल वर्ड कैंसिल कर दे। तो कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो क्या तरीका है, किस स्टेज पे आप उसके शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं, वो भी आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, क्योंकि आपको पता है एक कंपनी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, इसके अलावा स्ट्रेचरी मीटिंग्स होती है, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कितने टाइम के बाद वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और कौन कौन लोग आएंगे, कैसे इन्विटेशन होगा, उसका पूरा प्रोसीजर आपको यहां बताना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो चाहिए होते हैं बंदे बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। अब डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है बाय द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर जो उसको अपॉइंट करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही नहीं होता बच्चों, एक पूरा एक प्रोसेस होता है हर चीज का, डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। जो जब भी तो आपने देखा होगा कोई जॉब आती है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी लिखी होती है, वो फिर अननेसेसरी रिज्यूम नहीं उठाते हैं जॉब के लिए, तो वहां पे क्या है अपॉइंटमेंट से पहले आपको बताना पड़ेगा प्रोसीजर क्या है, क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, व्हाट आर दी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, किस टाइप का हमें बंदा चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, ऑल सच थिंग्स। तो यानी वो प्रोसीजर अपॉइंटमेंट का एज वेल एज रिमूवल का वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ड्यूटीज पावर एंड रेमुनरेशन ऑफ द डायरेक्टर, अब डायरेक्टर जो चला रहे हैं तो उनको भी हमने डिफाइन किया, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी पावर क्या होंगी और उनको क्या सैलरी दी जाएगी, इट इज ऑल्सो मेंशन अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और कंपनी अगर बंद हो रही है, वाइंडिंग अप मतलब शट डाउन, कंपनी इन केस बंद होने की कगार पे आ गई है, मींस अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है कंपनी, जरूरी नहीं है हर बिजनेस चलते हैं, बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, बहुत से बंद भी होते रहते हैं, तो वो वाइंड अप का क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसका शट डाउन का क्या प्रोसेस रहेगा, किस टाइप से हम अपने बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, उसका एक पूरा आपको ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। इसके अलावा सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो इट कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनी पार्टी लाइक ह्यूमन बींग, तो उसके लिए हम एक कंपनी की सील यूज करते हैं, वो सील क्या है, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है और यानी कंपनी के बिहाफ में लगाई जाती है, तो कंपनी की सील क्या रहने वाली है, किस टाइप से वो काम करेगी, वो सब आपको मेंशन करना पड़ता है अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दीज आर दी वेरियस इंपॉर्टेंट, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निकाले हैं, ऑल्दो आपकी बुक में थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये बुक टू बुक वेरी करेंगे या फिर से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां पे मेंशन किए हैं। आई एम श्योर कि इसमें इतने आप लिख देंगे तो बहुत इनफ रहेगा, ठीक है, कम से कम 6-5 आप इसमें से याद कर लेगा जो आपको इजी लगे याद करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज दी कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको समझ में आ गया होगा, उसके कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर मूविंग अनदर टॉपिक जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टस। जो अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बच्चों प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब ये प्रॉस्पेक्टस क्या है, प्रॉस्पेक्टस एक तरीके से क्या है, इनविटेशन है, किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, फंड रेज करना है, और ये फंड हमें रेज करना रहता है किससे, फंड रेज करना रहता है बच्चों पब्लिक से, जो हमारे कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक इनविटेशन देना पड़ेगा, और इनविटेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो हम इनविटेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं, जिसके अंदर कंपनी की सारी डिटेल मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल मेंशन कर रहे हैं, तो वो इनविटेशन को देख के पब्लिक क्या करेगी, उसको रीड आउट करेगी, उसको देखेगी, समझेगी कंपनी का प्रोस फ्यूचर क्या है, कंपनी का क्या प्लान है बिजनेस करने का, तो उसकी बेसिस पे ही कंपनी क्या है, कोई भी सॉरी जनरल पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। तो ये डॉक्यूमेंट है जो इन्वाइट करता है जनरल पब्लिक को, इट मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में होना चाहिए, मीन्स कंपनी का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट आप किसी और का लगा दे रहे अपनी कंपनी के नाम पर, अपनी कंपनी का
का सारी डिटेल होनी चाहिए उसके अंदर जो कंपनी फंड रेज करने जा रही है जनरल पब्लिक से। मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द शेयर, मस्ट बी सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी। और ये जो इन्विटेशन होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए जो अपील कर रहा हो जनरल पब्लिक को कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदिए। और अपील कब करेगा, जब हम उसको इतने अच्छे से बनाएंगे, मींस आपका बिजनेस मॉडल अच्छा होगा तो जनरली पब्लिक भी उसको लाइक करेगी और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और पैसा आ जाएगा तो फिर हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉस्पेक्टस हो गया। प्रॉस्पेक्टस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर प्रॉस्पेक्टस कोई कंपनी नहीं बना रही है तो डॉक्यूमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी फिर वो इश्यू कर सकती है, यानी वो भी एक तरीके का, जैसे मैंने आपको बताया था टेबल एफ होती है इन प्लेस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी प्रीपेड टाइप का प्रॉस्पेक्टस होता है जो हम पब्लिक के लिए उतार सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक। अब इसके बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, द इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी इसके बारे में, तो हम यहां पे एक बार थोड़ा ओवरऑल डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो क्या है डिफरेंस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर, यानी ये क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी है, चार्टर ऑफ द कंपनी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर हम डिफरेंस को चेक करें, और डिफरेंस हम किसी ना किसी बेसिस पे करेंगे, तो पहले बेसिस हमारा है नेचर। तो नेचर में अगर मेमोरेंडम की बात करूं तो मैंने बताया था मेमोरेंडम डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ ए कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, इसलिए इसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं। तो ये चार्टर ऑफ द कंपनी है जो डिफाइन करता है कंपनी के रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, या फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द बाय लॉ ऑफ द कंपनी, बाय लॉ ऑफ द कंपनी, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, यानी इंटरनल अफेयर्स को स्मूथ चलाने के लिए एक बाय लॉ है, यानी एक लॉ डिफाइन कर दिया गया है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या है काम करना है, यानी सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशन है, बाय लॉ बोलेंगे, यानी ये इंटरनल अफेयर्स को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्कोप की, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, व्हाट आर द वेरियस स्कोप, अब स्कोप की बात करें तो अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप की बात करूं तो इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर ऑफ कंपनी, यानी ये क्या बताता है, ये बताता है बच्चों कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कंपनी की पावर क्या है, यानी ओवरऑल कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। इट इज मस्ट बी डिफाइंड अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी इसका जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। और अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के स्कोप की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल अफेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स कंपनी का कैसा चलना है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है, यानी इट हैज नैरो स्कोप एज कंपेयर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेसिस पे बात करें तो वो नेक्स्ट बेसिस हो सकता है स्टेटस की बेसिस पे, यानी कौन सा ज्यादा स्टेटस है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो अगर हम बात करें स्टेटस की बेसिस पे, तो स्टेटस की बेसिस पे अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन सुपरसीड दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सुपरसीड कर सकता है, यानी उससे ऊपर है, यानी स्टेटस क्या है इसका, ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हमें दूसरा स्टेटस की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ये बच्चों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं भी बनाते थे तो हमने अभी पढ़ा था, तो आप टेबल एफ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, एक प्रीपेड मॉडल सेलेक्ट कर सकते थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फ्रॉम आउट ऑफ 99 सेट मॉडल्स। तो इसलिए एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट बोला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीगल इफेक्ट की, लीगल इफेक्ट मीन्स अगर कोई कंपनी एक्ट ऐसा करती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में नहीं आता है तो वो सारे एक्ट जो है वॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वॉइड कहलाएंगे, ठीक है। यानी एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन यानी चार्टर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उससे ऊपर का कोई एक्ट हो जाता है जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी नहीं लिखा है तो वह ऐसा एक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसा एक्ट यहां पे भी होता है, एक्ट वाइड एक्ट, ठीक है, वाइड एक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, यानी एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने डिटेल में पढ़ा, उसके अलावा उसके दायरे से बाहर की कोई चीज हो जाती है तो वो वाइड नहीं माना जाएगा, इट कैन बी रेक्टिफाइड, उसको रेक्टिफाइड किया जा सकता है। रेक्टिफाइड क्यों किया जा सकता है? क्योंकि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना इजीली चेंज होता नहीं है छोटी छोटी बातों के लिए, तो यहां पे हम उसको रेक्टिफाइड कर सकते हैं, शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब क्या ये रखना जरूरी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर मैं बात करूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो प्रिपरेशन है इट इज कंपल्सरी, ऑल्दो कंपल्सरी है, ठीक है, यहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना जरूरी है, ठीक है, अकॉर्डिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना क्या है बच्चों? कंपल्सरी है, यानी इट इज मस्ट टू प्रिपेयर देयर ओन ओन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपना खुद से सेल्फ बनाया हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना मस्ट है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इट इज मस्ट टू प्रिपेयर, ठीक है, यहां पर बनाना जरूरी है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चों क्या है? ये ऑप्शनल है, क्योंकि आपको पता ही है कि वी कैन ऑल्सो चूज प्रीपेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम टेबल एफ, जो 99 मॉडल है तो वहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आई कैन से इसको बनाना क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की बेसिस पे, यानी व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिलेशनशिप किससे होती है, तो अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिलेशनशिप होती है बच्चों किससे? आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी इट डील्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, यानी बाहरी दुनिया से कंपनी किस टाइप से रिएक्ट करेगी उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जबकि इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी कंपनी की वो सब डिफाइन होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी रिलेशनशिप की बेस पे आउटसाइड वर्ल्ड, और जबकि आपका इंटरनल वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है आपकी इंटरनल वर्किंग को। इसके बाद अल्टरेशन, क्या ऑल्टरेशन मींस चेंज, ऑल्टरेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो चेंज, क्या चेंज करना आसान है, क्या चेंज कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, तो यहां पे अगर मैं बात करूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन जनरली तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना, बट अगर आप चेंज करना ही चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस, यहां पे डिफिकल्ट है, हो सकता है डिफिकल्ट है, ठीक है, हो सकता है, इसलिए क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि यहां पे अगर आप आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों क्या है, मैं ये पहले ये लिख सकता हूं यस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बट डिफिकल्ट।
अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको। यस, डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि यहां पे अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ऑल्टरेशन इज पॉसिबल, यस है, और बट यस के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बच्चों अपना इंटरनल ही डॉक्यूमेंट है, तो इट कैन इजिली ऑल्टर और चेंज एज पर दी सिचुएशन, यानी आपको रूल्स बढ़ाने घटाने हैं तो जब चाहें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इजिली ऑल्टर, ठीक है, इजिली चेंज, आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट एरियाज जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टूडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टॉपिक, दैट इज डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल of association and memorandum of association. So, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। Till then, take care, bye.